b by 2, 6 divided by 2 omega 3, area is BD. So 6 into 6, 6 is a 12 at that. ऐसा करके आएंगे a into x bar बोलो 36 into 3 108 again a into x bar 108 हो गया उसे छोड़ दो अभी दूसरा बॉडी है राइट एंगल ट्रायंगल लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है ओरिजिन से 6 है ना फिर 6 लिखा ये कितना है 3 है ध्यान दो अभी अपना सेंट्रोइड का आएगा ये इधर आएगा है ना तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या था b by 3 याद है लेकिन b by 3 ओरिजिन से कितने पर है 6 है ना बोलो फिर 6 plus 3 divided by 3 टोटल 3 है ना ये तो कितना आएगा 7 आएगा हो गया अभी y bar इतना आएगा है ना so h by 3 रहता है क्या फॉर्मूला जितना तगड़ा लाना उतना जजमेंट आएगा h by 3 so हाइट कितनी हो गई हाइट है 6 है ना हाइट भी 6 है so 6 divided by 3 कितना होगा 2 हो गया एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 1 by 2 BH so 1 by 2 बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 6 2 1 जा 2 3 जा तो टोटल 9 रहेगा क्या है ना A X bar 9 7 जा 56 9 7 जा 63 9 2 जा 18 हो गया या आ गया ओके अभी आपको एक कंसेप्ट बता दूं वो समझ लो देखो जब ऐसा ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है आप इधर से जाते तो इधर से कितना रहता b by 3 रहता है ना तो ये जो स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन की तरफ से अगर आप काउंटिंग करते हो तो b by 3 रहता है लेकिन मान लो कभी आप ये पॉइंट से काउंट करने गए तो कितना रहेगा भाई ओके ये क्वेश्चन रहता है तो टोटल ये कितनी रहती है ये टोटल बेस भी होता है ना तो अभी मुझे ये वैल्यू निकालनी है ये वाली तो ये कितना रहता b माइनस b बाय 3 करते तो एलसीएम लोगे 3b माइनस b 2b तो कितना रहता है 2b बाय 3 सो ये पॉइंट की तरफ से ये वैल्यू कितना रहता है 2b बाय 3 तो हमेशा ध्यान में रखना राइट एंगल ट्रायंगल है और स्ट्रेट लाइन से अगर आप काउंटिंग करने जा रहे हो तो b by 3 रहता है लेकिन अगर वो पॉइंट से अगर काउंटिंग कर रहे हो तो होता है 2b by 3 2b by 3 सेम अगर इधर से देख रहे हैं आप तो इधर से अपना कितना रहता था h by 3 तो ये लाइन की तरफ से कितना है h by 3 अब ये पॉइंट की तरफ से अगर काउंटिंग करो तो कितना रहेगा 2h by 3 समझ रहे हैं ये कांसेप्ट है इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं अभी याद है वो तीसरा हमारा बॉडी है अभी ये बॉडी का देखो एक पॉइंट डायरेक्टली ऊपर है मतलब इसमें कोई डिस्टेंस नहीं जनरेट होगा सो क्या टोटल कितना है 9 है बेस 6 प्लस 3 9 हो गया कितना है 6 है ये 6 हो गया ओके अभी x बार भाई x बार तो अभी देखो ये ओरिजिन है अपना ये ओरिजिन है इधर से काउंटिंग कर रहे आप लोग स्ट्रेट लाइन की तरफ से करते तो b by 3 अब ये पॉइंट की तरफ से काउंट करते तो 2b by 3 तो आप देखो ना उल्टा ट्रायंगल हो गया अभी है ना तो इधर से अगर आप देखोगे तो कितना रहेगा 2b by 3 समझ रखे हो सो ये क्या होगा 2b by 3 सो 2 बेस कितनी है 9 डिवाइडेड बाय 3 18 बाय 3 मतलब कितना होता है 6 है ना हो गया अभी हाइट देखो अभी अभी अपने को इधर से काउंटिंग करना है इधर से काउंटिंग होगी हाइट है ना ये लाइन है इधर से कितना रहता है h by 3 उल्टा हो गया ना समझ रहा क्या h by 3 लेकिन दिमाग चलना चाहिए ये पॉजिटिव x एक्सिस है और पॉजिटिव y एक्सिस है लेकिन ये किधर आ रहा ये नीचे आ रहा ना
तो माइनस हो जाएगा, समझ रहा है क्या, इतना तेज होना पड़ेगा. सो माइनस एच बाय थ्री, हाइट कितना है 6, सो माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना रहेगा माइनस 2. व्हाट अबाउट एरिया, 1/2 बी इंटू एच, सो 1/2, बेस कितना है 9, हाइट कितना है 6, 2 वन जा 2, 3 जा 9, 3 जा 27, बोलो 27 इंटू 6 एक्स बार, कैलसी को लो 160, ओके 27 टू जा माइनस 54 हो गया. अभी आपका काम है एडिशन करना, बोलो सबमिशन ऑफ ए 45 or 27, दूसरा समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ एक्स बार 333, बस ओके समेशन ऑफ ए वाई बार 72 आ गया. अभी बोलो एक्स बार का फॉर्मूला क्या आएगा, समेशन ऑफ ए एक्स बार अपॉन समेशन ऑफ ए, तो समेशन ऑफ एक्स बार 333 डिवाइडेड बाय 72 वैल्यू आएगा. y बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए y बार अपॉन समेशन ऑफ ए, बोलो ऊपर का क्या था 4.62 72 डिवाइडेड बाय 72 दैट विल बी 1. फाइनली x बार कॉमा y बार इज इक्वल टू 4.62, 1 विच इज द आंसर. ये कंसेप्ट है प्रॉपर, इसको डिजाइन कर लेना.